ये है स्लिमिंग के लिए, पेट पे फैट नहीं है, टांगों में फैट नहीं है, हाथों में फैट नहीं है, तो सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए ही कर रही हूँ। टांगे में मेरे इतनी सी हैं, तो ये हम कर सकते हैं थाइस, जिनसे ये हो कटे कटे छोले छोले, और पेट के लिए जहाँ पर भी हमें लगता है कि हमारी बॉडी में फैट है तो हम ये कर सकते हैं। इसमें दो टॉप्स होते हैं, एक ये वाला दिखाना ना, दूसरा दिखाना ये के आने पे। हाँ, और एक के बटे से दो है, इसको करने सकते हैं भी वो पेट के लिए। थैंक यू जी, हमारी टांगे वैसे बहुत अच्छी हैं, धन्यवाद। सब ये बोलते हैं आपकी टांगे बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो टांगे हमारी मोटी है नहीं, शायद उस टाइप में लग रहा होगा। इसको हम थाइस, ठीक है, अपने हैंड्स के लिए और आपके पेट के लिए। पहले मेरा मन था पेट पे करवाने का, फिर हो गया फैट ही नहीं है तो क्या ही करना है, तो इस करके नहीं करवाया। आपको सिर्फ प्याल दिखा रहे थे। स्लिपिंग बेसिकली क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि हम पतले हो जाएं सर्दी आने से पहले पहले, हम एक महीने में 5 से 6 सिटिंग करा सकते हैं। अगर हमारा मन कर रहा है कि एक बार पतले हो ही जाओ 2 से 3 इंच एकदम, अगर आप सोचो तो वो सिर्फ सर्जरीज होती हैं। अगर कोई कहता है कि स्लिपिंग हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको भी उसके लिए कुछ करना है। वॉक करनी है, डाइट कंट्रोल करनी है, गर्म पानी पीना जितना हो सके, भूल जाए फ्रिज में रखा हुआ पानी। वैसे भी अगर आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ रहा है या कई बार हमारा खाना बहुत हैवी हो जाता है पूरा दिन, क्या जब भी आप पिए हल्का सा गर्म पानी, मतलब तेज गर्म पानी पीती हूँ, तेज गर्म पानी रात को स्लिमिंग के पीकर ही सुनो, तो जो आप खाएंगे खत्म, खाएंगे खत्म। और बाकी ये वाले स्लिमिंग के सेशन, एक महीने में आप 6 सिटिंग, 2 महीने में 12 सिटिंग, मतलब 2 से 3 इंच आपका कम होगा। वो जो आपने मेरी फोटो देखी होगी ना, ब्लैक कलर की, वो अंडमान वाली मोटी सी वाली, और फिर 2 महीने बाद एकदम ऐसे पतली हो गई थी, इसी मशीन से हुई थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद में सोच लिया बस पतले हो के दिखाना है, तो हो गए। खाना पीना सॉल्ट वेजिटेबल्स, अटर पटर, गर्म पानी, रात को स्लिमिंग थी, 7 बजे के बाद नमक नहीं, 3 बजे फिक्स फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर। अगर आप इस डाइट के साथ में, इस मशीन के साथ चलते हैं, 2 महीने में 12 सेशन का मतलब होता है 2 से 3 इंच मिनिमम आपका वेट कम हो जाता है। हमेशा के लिए जाता है क्या, खाना बंद कर दें? नहीं, खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल, कभी कभी मेंटेनेंस सिटिंग। इसका मतलब ये होता है अगर हम सोचें कि कम करना है और नहीं कम हो पा रहा क्योंकि हमें हवा भी लग जाती है पंखे की भी, तो इसका मतलब ये होता है कि एकदम डाइट, मशीन, वॉक, गर्म पानी से एक बार के लिए हम कम कर लें, कभी कभी महीने में 15 दिन में फिर इसको एक ही सिटिंग लेके मेंटेन कर सकते हैं। परमानेंट कुछ भी नहीं है, झूठ बोल के कुछ भी नहीं है, परमानेंट हम ही नहीं है, हम इस दुनिया में टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं, तो कोई भी फैशन, कोई भी चीज़ परमानेंट कैसे हो सकती है? तो कोई भी बोले कुछ भी परमानेंट है तो नहीं है, क्योंकि जब जब आप खाएंगे दोबारा वो फैट ऊपर आएगा, उसको फिर आप खत्म करेंगे, कैसे करना है वो आपको देखना है। अब हमने परसों आलू पूड़ी भी खाई है, हमने आलू का पराठे भी खाए हैं जस्ट के बर्थडे पर, तो अभी वापस में भी यही सिटिंग कराएंगे हम, फिर बराबर हो जाएंगे। तो मेंटेनेंस, जब लगता है आपने हैवी फूड खाया है खत्म कैसे करना है आपको ये सोचना है। रोज की सोचे तो हाफ एन आवर की अगर आप वॉक करते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, तो आप ये पैसे बच सकते हैं, पैसे बचा लीजिए। गुड है, कल लाइव आए हम बैठे हुए थे वहां पे, परसों से जस्ट का बर्थडे मना रहे, 2 दिन हो गए पहले वहां से निकले तो वापस आ रहे थे घर पे, सोचा कि चलो एक दिन और बर्थडे मनाते हैं। वैसे था बस 24 को ही, तो हमेशा हम लोग एक दिन पहले मनाते हैं और सेम डे मनाते हैं फिर एक दिन बाद में, तो आज जस्ट मनाएगा अपने सारे स्टाफ के साथ बर्थडे। तो फिर वापस आए तो बोले कपड़े तो है ही नहीं, क्या करें। फिर हम लीला गए, ज़ारा गए, फिर एक कपड़े लिए, फिर एक और होटल लिया, अब जाके वापस आया। लाइफ मेरे हिसाब से, हमारी लाइफ बहुत छोटी हो चुकी है,
पहले के टाइम पे वो मुझे ध्यान आया कि ग्रे हेयर वाले और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग होते थे, 90+, 100, 80+। बट अब जिस तरह से रोज हम न्यूज़ देखते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं, तो लगता है कि यार हाँ, बहुत ही हमारी हमारी कम एज रह चुकी है। पता नहीं है कब किस टाइम पे किसको क्या ही प्रॉब्लम है। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, तो हमें नहीं लगता कि पैसा बहुत कुछ है। पैसा है, पैसा हमारी ज़रूरत है, बट जब भी मैं बाहर से घूम फिर के आती हूँ और बहुत ऐसा लगता है, तो हम लोग अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील करते हैं, रिचार्ज होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार हाँ, अब हम रेडी हो गए काम करने के लिए। 10-12-15 दिन अगर मैं बाहर ना जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है रोज की वही, सुबह उठो, खाना खाया, जल्दी आओ, भागो, कहाँ पर क्या किया, स्टाफ की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, कौन आया, कौन गया, क्या लेना, क्या देना, क्या करना है, ये करना है, वो करना। रात को फिर चलो गेड़ी पार, नहीं सो गए, नेक्स्ट डे सेम आपका रूटीन, सेम 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 सेम। 10-12 दिन 15 दिन में ये दिमाग फटने को हो जाता है, तो फिर मन करता है बाहर वापस। आज मैं अपने बच्चों को समझा रही थी, कल ऐसी बात हो रही थी कि ये मेरी मेंटेलिटी है। मैं आपको ये नहीं कहती कि हर बंदे की मेंटेलिटी ऐसी हो सकती है। सपोज हमारी एज 70 ईयर्स है, सपोज, तो 2 मिनट साइड हो जाए, ठीक है, बीच में नहीं आना। सपोज हमारी एज 70 ईयर्स है, राइट। हम लोग सोचते हैं कि चलो हम पैदा हुए हैं, स्कूल स्काल गए, खाया पिया, ये वो अटर पटर, कॉलेज गए नहीं गए, जो भी है, शादी हो गई, बच्चे हो रहे तो टेंशन, नहीं हो रहे तो टेंशन, जो भी आपका चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी एज 70 ईयर्स है, राइट। तो आज हमारी बहुत टेंशन है, काम की टेंशन है, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, आफ्टर 30-40 शुगर लग गया, बीपी लग गई, अटर लग गया, पटर लग गया, चटर लग गया, हेरिडिटी है, हूँ नहीं हूँ मैं, ये क्या, वो क्या, वो क्या, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। तो मैं अपने बच्चों को समझा रही थी हमारी एज रहेगी 60 ईयर्स, राइट। बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है, खुद खाया, खुद कमाया, कोई आसपास नहीं है, सबने धोखे दिए, सबसे प्रॉब्लम है, 24 घंटे परेशान है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये है वो है। हमारी एज जाएगी 50 ईयर्स, ना वो पैसा हमने ऊपर लेके जाना है, ना वो लेके जाना है। तो क्यों ना हमारी ये 70 ईयर्स के अंदर हम अपनी लाइफ को इतना सुकून, हो नहीं सकता, मुझे भी पता है नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, अब तो नहीं हो सकता, पहले के टाइम पे हो सकता था मेरे ख्याल से, बट अब नहीं, क्योंकि तो हम वर्किंग हो चुके हैं, राइट। तो क्यों ना अपनी लाइफ को हम लोग ऐसे बनाएं कि हमारी एज 70 की जगह पे 80 हो। ना वो पैसा ऊपर जाना है, ना वो पैसा ऊपर जाना है, और साथ में कुछ नहीं जाना। हम लोगों ने अपनी लाइफ को जबरदस्ती और जबरदस्ती खराब करने की कोशिश करके खराब करते ही जा रहे हैं। हमने, मैं खासकर, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता किसी का कैसे क्या है, आपके आसपास में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। हम लोग जबरदस्ती खाई लेके कूदने की कोशिश करते आए कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। किसी भी चीज में जबरदस्ती अपने आप को परेशान करते हैं, किसी भी चीज में। छोटू ने अभी वो चीज नहीं पकड़ाई, मैंने उसे कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, भाई वही प्यार, वही काम, प्यार से भी हो सकता था, कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो बहुत छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को परेशान करते जाते हैं। मतलब मेरे साथ में तो 100-150 लोग हैं, तो रात तक तो मैं पागल हो जाती हूँ। सबको लगता है वाह, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, अच्छी है लाइफ, माता रानी ने बहुत बख्शा है, बहुत बख्शा है, सबको बख्शे। बट हम लोग आजकल ज़्यादा परेशान होना शुरू हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कीजिए, अपनी टेंशन कम कीजिए, पैसा कमाइए, परेशान मत होइए, टेंशनें कम कीजिए। स्किन, आपकी हेल्थ और आपके हेयर पे कभी कभी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। स्किन और हेयर सिर्फ खुश होने और परेशान होने की वजह से खराब और अच्छे हैं। आप सोच कर देखिए, जब आपको लगता होगा कि आज हम बहुत खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, तो जो हमारी पिगमेंटेशन है अपने आप कम होती है। और जब हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, और हमें लगता है कि यार पिगमेंटेशन ही मिलाजमा बनना शुरू हो रहा है, तो ये सब हमारे अंदर के हार्मोन्स, हमारा स्ट्रेस, हमारी हर चीज़ है। नींद, अब कोई ये बोले कि हमने ये ट्रीटमेंट कराया था और हमें प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम अब इंटरनली जा रहा है। इसलिए खुश रहें, बहुत ही खुश रहें। जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलिए, वहीं पे वही काम कीजिए। कौन क्या करता है छोड़िए,
क्यों मुझे आपको गंदे कमेंट करें तो फिर आप बोलो जेलस, आप क्यों उसको पलट के किसी को कुछ बोल रहे हैं, मैं तो डिलीट ही कर देती हूँ, मुझे तो बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी लिखते हैं तो किसी ने बोला कि आपका ऐसे करके अकाउंट में ये वो कि अगर आप डिलीट करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही हूँ। हम लोग 1000 एनी लेंथ केराटिन, ठीक है। कल जो मैं लाइव आई थी रात को मैं बता रही थी, तो जिससे मैंने उस जो बिटिया साथी है एक और, तो उससे मैंने कनेक्ट किया हुआ था, उसका वो नेटवर्क वहाँ पे चल नहीं रहा था, अचानक ही वहाँ से वो नेट उड़ गया और लाइव उड़ गई। ये क्या हो गया, लाइव उड़ गई, चलो कोई बात। आपको बता देती हूँ केराटिन बेसिकली क्या होता है और क्या चीज़ क्या होती है शॉर्ट में, ठीक है। केराटिन मतलब कलर किया है तो केराटिन, आप सोचे आपका ब्लैक कलर है, आपको केराटिन करवानी है, पैसे बचा लीजिए मत करवाइए। आपको लगता है कि 6 महीने हो चुके हैं कलर के और सिर्फ केराटिन से सॉफ्ट होंगे, किसी कीमत पर नहीं होंगे, पैसे बचा लीजिए। आपको लगता है कि आपने ब्लॉन्डर यूज किया है और 6 महीने हो चुके हैं और स्पा करवाएंगे, किसी भी तरह की केराटिन बोटॉक्स कुछ भी करवाएंगे, जीरो। तो रिक्वेस्ट है ब्लैक हेयर पे और 6 महीने बाद वाले कलर्ड हेयर के लिए केराटिन 0/0 है। किसी को ये पूछना कि ये कितने की है, उससे अच्छा ये पूछना कि कितनी चलेगी, क्या यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अपने पैसे खराब ना कीजिए, बेस्ट है, ठीक है। वो पैसे किसी को दान दे दीजिए, खाना खिला के, पैसे देके नहीं। दूसरी बात, आज हमें लगता है एक हेयर का प्लेन सरफेस है, राइट, प्लेन है एक हेयर, सिर्फ स्मूथनिंग भी उस पर काम करेगी। कलर्ड हेयर हो गया किसी भी तरह का, ब्लॉन्डर वाला हेयर है और आपको सॉफ्टनेस चाहिए, इसे स्मूथनिंग करा रहे हैं, जीरो। अभी सुबह से लेकर अभी तक 4 से 5 क्लाइंट्स के आए हैं केरा स्मूथ करवाना, तो मैं आपको ये बता रही हूँ केरा स्मूथ क्या होती है, केराटिन एंड स्मूथनिंग साथ में। वर्जन हेयर है, ब्लैक हेयर है, अभी बताया गया, उसको साथ में हमने पहले स्ट्रेट किया, कलर तो है ही नहीं तो स्मूथ केराटिन क्यों की, तो उसमें भी आपके पैसे भी खराब हो रहे हैं, पैसे तो चलो साइड की बात है, आपका हेयर डैमेज हो रहा है, तो केरा स्मूथ करवाना ही नहीं चाहिए। ये पूछिए क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए। शोल्डर लेंथ है तो ये कितने का होगा, कोई भी नहीं बता सकता। क्या था व्हाट्सएप कॉल, आपने उसको वो फोकस वो नहीं किया था, उसको ऑफ नहीं किया था, कुछ नहीं हुआ। आ रही है आपको कैसे पता भैया? आप सुन रहे हो? अच्छा आपको पता लग रहा है, अच्छा ठीक है। तो एक ये बात, 1000 एनी लेंथ केराटिन, केराटिन क्या होती है, सेम कंपनी का शैम्पू मास्क यूज करना, टाउन से अपने वॉश, मास्क एवरी टाइम लगाना जरूरी है, हल्का सा ड्रायर, स्ट्रेट होगा नहीं होगा, 30-40% स्ट्रेट, कलर है तो केराटिन करानी है, ऑयलिंग नहीं करनी, ऐसे वॉश नहीं करना, मैक्सिमम 2 महीने चलेगी, इस कॉल्ड केराटिन, इस कॉल्ड केराटिन। आप सोचे केराटिन स्ट्रेट करेगा 80-90% स्ट्रेट थेरेपी की तरह, नहीं करेगा। तो ये सब केराटिन होती है। उसके अपर लेवल का क्या होता है, बोटॉक्स, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2000 एनी लेंथ बोटॉक्स। तो बोटॉक्स क्या होता है, इसकी हर चीज की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो क्वालिटी का फर्क होता है, कितने का कैसे क्या आ रहा है, क्या उसकी किस पर काम करना चाहिए, बेस ये रहता है। तो उसके सेकेंड नंबर पे आता है बोटॉक्स, देन स्मूथनिंग, वर्जन हेयर, देन स्ट्रेट थेरेपी, ऐसे करके हर लेवल का अलग अलग हेयर का अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम लोग एक ही हेयर पे 4-4 ट्रीटमेंट भी करते हैं, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ऐसे। तो हर जगह पे हर हेयर पे हर काम नहीं करवाना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं 1000 एनी लेंथ केराटिन, अभी 4 से 5 केराटिन आ रही हैं। 9313189890 पर कॉल करके ही आएंगे, पिलर नंबर 399 पे आके कॉल करेंगे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आना है, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी शॉप नहीं है। अगर आप कहीं पे गए और आपने ये उनको बोला कि ये जॉय है, और आप उसके जोकर ने बोला, जोकर की अभी परसों पिटाई हो गया, जोकर ने बोला कि यहीं पर ये जॉय है, आप आए, आपकी केराटिन फ्री, ये बोटॉक्स है, ये नहीं, केराटिन फ्री। तो अगर आपको केराटिन फ्री करानी है और नीचे के उस सैलून में ये बोलते हैं कि जॉय है, कृपया करके आप वीडियो लेकर आए, तो आपकी केराटिन भी फ्री है। तो फ्री कराने का शौक है तो कृपया करके ऐसी वाली हरकतें करें।
क्योंकि ये लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड बोटॉक्स, बोटॉक्स 2000 एनी लेंथ है, इसका भी सेम रहेगा, सेम शैम्पू एंड मास्क यूज कर रहे हैं, सल्फेट फ्री होता है। जिस कंपनी का जो काम करे उसी कंपनी का ही वहीं से ही प्रोडक्ट ले। होता क्या है, स्ट्रेट थेरेपी आपने कहीं से करा ली, शैम्पू मास्क कहीं और से, किसी और कंपनी का पड़ा हुआ है ले लिया, चलती हुई किसी शॉप से कहीं और से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी वजह से आएगी। आप जिस कंपनी का जहां से काम करें वही सेम प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि हम फिर कहने वाले बनते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो सुनेगा भी, ठीक है। और सेम कंपनी का ये, देन ऑयलिंग नहीं करनी, ऐसे वॉश नहीं करना, 1 से 2 से 3 महीने चलेगा, कब होना चाहिए ये पूछना। तो 1000 केराटिन 2000 एनी लेंथ बोटॉक्स हमारे यहाँ पे स्टार्ट है, 9313189890 पे कॉल करेंगे। पिलर नंबर 399 फर्स्ट फ्लोर पे आना है, फ्री चाहिए केराटिन। नीचे सलून वाले अगर आपको बोलते हैं, जोकर बोलता है कि ये जो है वीडियो लाइए, आपका केराटिन फ्री। और स्लिमिंग का मैंने आपको सारा बता दिया, बट रिक्वेस्ट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अब वो टाइम गए जब हम कुछ भी खाएंगे हमारी बॉडी को लगेगा, अब हम कुछ नहीं खाते तब भी परेशान है। मैं 10-12 दिन बहुत ज्यादा बीमार थी, मैंने 3 दिन में इतना खाना खाया, इतना आलू के परांठे, आलू पूड़ी सब खाया, सब खाया। क्यों? क्योंकि पता नहीं अंदर किसकी वजह से वीकनेस है, आपको पेन हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब फिर दोबारा गर्म पानी पे आ जाएंगे। सब कुछ खाना छोड़ना भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम सोचते हैं कि कार्ब्स नहीं खा रहे, तो मुझे लगता है कैल्शियम और आपकी यहाँ पर नीज में प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो एकदम सब कुछ छोड़ना भी प्रॉब्लम है। हमारे घर से टिंडे आए हैं और हमारे घर से खाना आया है। क्या क्या लाए हैं? टिंडे और आलू गोभी, आलू गोभी आए हैं, और परौंठे लाए हैं कि नहीं लाए? रोटी लाए हैं, चपाती, और नमकीन लस्सी भी चाहिए, नमकीन लस्सी लेकर आए थे। तो सिंपल फूड खाएं, हेल्थ का ध्यान रखें। बोटॉक्स 2000 1000 में केराटिन फ्री करानी आपको बता दिया, ठीक है। और स्विमिंग के लिए आप सिर्फ एक बार ही पूछने के लिए आ सकते हैं। सोचे कि हम रोज रात को पार्टियां करेंगे, ये करेंगे और खूब मखनी वखनी सब कुछ खाएंगे और हम पतले होंगे, तो गर्म पानी जितना होगा वो पिए और वॉक करें, साथ में स्विमिंग सेशन भी ले सकते हैं। बाकी सारा मैंने आपको बता दिया, भूख लगी, खाना खाना है, टिंडे खाने।